आपने हर साल देखा होगा कुछ ना कुछ कैलेंडर आते हैं लड़कों के, लड़कियों के, लड़कियों के बीच पे लड़कों के जिम खानों में बॉडीज दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। बट जब ये कैलेंडर मैंने शार्वी चतुर्वेदी का देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इसके अंदर बहुत एक्सप्रेशन है। हर एक पेज में एक नया हीरो है, नया एक्टर है और उस नए एक्टर की एक कहानी है। तो हर जो एक पेज अगर आप ध्यान से देखिए तो उसके अंदर एक स्टोरी है। तो इसलिए मैं इतना इंप्रेस हुआ और मैंने उसे कहा कि तुमको इस डेफिनेटली मीडिया को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसको प्रोफेशन तुम्हें लेना चाहिए। अब जबकि एक लड़की फोटोग्राफर बने तो ये कितनी खूबसूरत बात है। अपकमिंग स्टार्स के साथ कैलेंडर बनाएंगे तभी तो स्टार्स आएंगे और तभी ये स्टार बनेगी। वो एक नई लड़की बड़े स्टार्स के पास जाएगी तो उसको क्या भाव देंगे। तो उसने ये सोचा कि अल्टीमेटली मेरे को आर्टिस्ट चाहिए और इसीलिए उसने टाइटल भी ऐसा रखा कि लाइफ इन डॉट। ये वो अपकमिंग स्टार है जहाँ का स्टार्ट मार्क है, अब इसके ऊपर वो चढ़ेंगे। मैंने हमेशा ही नए स्टार के साथ काम किया, आपको पता होगा, या तो न्यू कमर के साथ काम किया है या उन स्टार के साथ काम किया जो अपने आप को न्यू कमर समझते हैं। अगर वो नए लोग हैं, मैं भी एक नई फोटोग्राफर हूँ जो अपना यू नो आई एम स्टिल अपना काम मैं बिल्ड कर रही हूँ, आगे बढ़ी हूँ। सिमिलरली ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं एंड स्टिल उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जब मैंने ये शुरू किया था तो एज अ वर्क ऑफ आर्ट ही शुरू किया था एंड इन लेटर स्टेजेस आई फेल्ट लाइक समथिंग लाइक दिस जो है लोगों को देखना चाहिए। आई थिंक ये सब नए जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट, इनोवेट एंड आप किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेंगे टू स्प्रेड इट आउट, टेक इट आउट एंड लोग जैसे उसको देखें एंड अप्रिशिएट करें। मेरे लिए वो ही इज़ मोर लाइक अ मेंटोर एंड फादर फिगर। जब भी मुझे अगर ब्लॉग्स आए हैं या मुझे क्वेश्चंस हैं वो हमेशा अवेलेबल है कि मैं उनसे पूछ सकूँ प्रोफेशनली कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए या मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं या मुझसे कहाँ सुधार।